इनके कहने पे ही बिहारी बाबू ने अपने ही दोस्त के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अभी हाल ही में एक बड़ी जीत हासिल कर इतिहास बनाने वाले नेता और मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बताया है कि उन्होंने किनके कहने पे अपने दोस्त के खिलाफ पहला चुनाव लड़ा था, जबकि उन्होंने बीजेपी छोड़ने की वजह पर भी खुलकर बात की है। पटना से सांसद रह चुके बिहारी बाबू ने पहले अपने सियासी सफर का जिक्र करते हुए यह कहा कि मैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए राजनीति में आया हूं। मुझ पर जयप्रकाश नारायण का काफी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आने के सवाल पर यह बताया कि बीजेपी में अब लोकतंत्र नहीं है बल्कि तानाशाही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, लेकिन आज की भाजपा सिर्फ प्रधानमंत्री के इशारों पर ही चलती है। वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके शत्रुघ्न ने यह भी कहा कि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर ही अपना पहला चुनाव लड़ा था, वह भी एक उपचुनाव ही था। आडवाणी जी मेरे राजनीति गुरु हैं, उनके कहने पर ही मैंने पहला चुनाव अपने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ लड़ा था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आडवाणी जी ने मुझे तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहा था। इसी वर्ष आसनसोल से लोकसभा चुनाव जीतकर एक बड़ा इतिहास रचने वाले बिहारी बाबू ने अपने दावे में यह कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी एक बड़ी गेम चेंजर साबित होने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी से काफ़ी प्रभावित हूँ। टीएमसी सांसद ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री हैं जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा दावा भी किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि 2024 के चुनाव में उनकी भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है। बिहार से होने के बावजूद उन्होंने बंगाल के आसनसोल में जाकर एक बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास बना दिया है। उन्होंने आसनसोल लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से ज़्यादा मतों से पराजित किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे पहले आसनसोल की लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत रही थी, लेकिन पहली बार टीएमसी ने यहां से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा के जीत के साथ ही आसनसोल से टीएमसी का खाता खुला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।